हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अमित और मैं आपको आज बताने जा रहा हूं राजघाट के पुल के बारे में, जो आप इसे देख रहे हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स, हम लोग इस समय राजघाट पे हैं और ये राजघाट के जो पुल है, ये फ्रेंड्स इसका नाम पहले राजघाट था, जो कि अब मदन मोहन मालवीय पुल के नाम से जाना जाता है, जो कि योगी आदित्यनाथ ने रखा है। उन्होंने कई चीज़ों का नाम बदल रखा है, जैसे मुगलसराय हो गया, उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया, इलाहाबाद का ले लीजिए प्रयागराज हो गया, तो फ्रेंड इसका भी नाम राजघाट से बदलकर मदन मोहन मालवीय पुल हो गया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि पीछे ये जो राउंड दिया गया है, ये केवल 7 बार है। और फ्रेंड्स, आपको जान के खुशी होगी कि इस पुल में एक भी नट बोल्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। दोस्तों, ये केवल आपके मतलब रिपीट पर टिका हुआ है और ये बहुत दुख की बात है कि इसका जो मतलब जो टाइम है वो पूरा हो चुका है। लगभग 100 साल का टाइम दिया गया है इस पुल के लिए, लेकिन 100 साल पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपने ये जान लिया कि इस ये पुल मतलब कि इसका जो टाइम था वो कम्प्लीटली हो चुका है, कम्प्लीट हो चुका है। तो दोस्त, मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि दोस्त, ये भारत का ऐसा पुल है जिस पर रेलगाड़ी और गाड़ी दोनों चलता है। और फ्रेंड्स, अब इसके बाद लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा।